अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है, ये गैलेक्सी के नाम से, ये चेक करें। इसके रेगुलेटर दो तीन डेड हो चुके थे, उनकी जगह पे ये मैंने अलग-अलग ये रेगुलेटर बनाकर लगाए हैं। ये चेक करें, ये कैसे लगाए हैं। ये इसका मेन रेगुलेटर जो 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इसका डेड हो चुका है, इस जगह पर होना था, ठीक है। उसके लिए ये चिप लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद इसके जो 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर था, वो भी इसका डेड था, उसके लिए ये डबल रेक्टिफायर लगा कर और साथ में ये 3.3 का ये अलग रेगुलेटर लगाया गया, क्योंकि ये अगर सिर्फ डबल ड्योर लगाया जाए तो चल तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर हीट होने के बाद ये बंद हो जाता था। उसको बेहतर करने के लिए ये साइड इसके 3.3 का ये रेगुलेटर भी लगा दिया, और इसका 1.1 वोल्ट का भी ये वाला रेगुलेटर भी इसका ख़राब था, उसके लिए ये एक रेक्टिफायर लगा दिया। ये 1.8 वोल्ट से लेकर 1.1 वोल्ट पर के लिए ये सिस्टम का जो वोल्ट जाते हैं, उसके लिए ये एक रेक्टिफायर लगा दिया। इसको जो 3 रेगुलेटर होते हैं, वो तीनों के तीनों ही इसके डेड हैं, तीनों के तीनों ही इसके अलग बनाए गए हैं, और ये अब हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, ये चेक कर यह बमरा रिसीवर बिल्कुल ओके ऑन हो चुका है जी। अब मैं आपकी इस वीडियो भी चेक कराता हूँ। यूएसपी चलाते हैं, वो यूएसपी चेक कर लें जी। अब इसकी ऑडियो भी आने लगी है और वीडियो भी आने लगी। ये अब हमारा रिसीवर बिल्कुल ओके चल रहा है जी। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि इसको ये अलग-अलग रेगुलेटर बनाकर भी इसको चला सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये एक ही चिप पड़ी थी, इसलिए मैंने ये एक तो लगा दी, लेकिन आगे मेरे पास पड़ी नहीं थी, इसलिए ये इसको या तो तीनों के तीनों अलग-अलग चिप लगानी थी तब इसने ऑन होना था। लेकिन उसके बाद ये मैंने इसका अल्टरनेटर निकाला है कि इसको ये अलग इसके लगा कर ये 3.3 वोल्ट दे दिए इस रेगुलेटर की वजह से। अगर सिर्फ यहीं लगाया जाए और ये रेक्टिफायर इसमें ना लगाए जाएँ तो फिर ये चल तो जाता है, लेकिन फ़ौरन हीट होकर बंद हो जाता है। अगर रेक्टिफायर हो तो रेक्टिफायर ये चंद एक मिनट चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। अगर ये दोनों लग गए हैं, अब ये बिल्कुल इसके वोल्टेज पावर में हो चुके हैं और फिट हो चुका है, अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफिज़।